अस्सलामुअलैकुम, आज आपके साथ अंडा पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं दो पराठे बनाऊंगी, दो अंडे लिए हैं मैंने, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला, एक प्याज चॉप कर लें बारीक, दो हरी मिर्च चॉप कर लें, लाल मिर्च पाउडर और नमक हसब ज़ायका, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने अंडा तोड़ लिया है और साथ ही इसमें मैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, नमक, ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितनी आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा, और इसे अच्छी तरह फेंट लिया। ये देखिए अच्छे से फिट चुका है। अब पराठा तैयार करूंगी, उसके लिए रोटी बेलूंगी। ये देखें, अब तवे पर रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है। जब ये अच्छी तरह सेक जाए तो इसे आप हटा दें। अब मैंने तवे पर थोड़ा सा घी डाला और उस पर फिटा हुआ अंडा मैंने फैला लिया अच्छी तरीके से। अब आपने अंडे को इतना ही फैलाना है जितनी आपने रोटी तैयार की है। फिर इस पर आप रोटी डाल दें और इसे अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि अंडा इस पर अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब घी लगा के आप अच्छी तरीके से इसे सेक लें। देखें अगर अंडा पक गया है तो आप इसका साइड चेंज कर लें। अब आप घी लगा के पराठे को अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लें। ये देखें ये अच्छी तरीके से सिक चुका है, इसे आप हटा लें। और आखिर में इस पर आप थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें। लीजिए, बहुत इजी और बहुत टेस्टी अंडा पराठा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।